अगर आप पिछले 123 साल की बात करें तो भारतीय इक्विटी मार्केट्स ने जो रियल रिटर्न पिछले 123 साल में दिया है वो 6.6% तक का है, और अगर आप इस इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे बाकी के डेवलप्ड मार्केट्स जैसे कि यूएस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारतीय इक्विटी मार्केट्स ने यूएस से भी बेहतर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 123 साल में। और बाकी डेवलपिंग मार्केट से कंपेयर करें, जो मेजर कंपेटिटर है इंडिया का, चाइना से कंपेयर करें, तो भी आपको ये पता चलेगा कि पिछले एक दशक में अगर आप देखें, इनफैक्ट पिछले एक सेंचुरी में अगर आप देखें या 123 साल में देखें, तो भी चाइना से बेटर रिटर्न्स दिए हैं इंडियन इक्विटी मार्केट से। कंपेयर करें आप वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स की क्यूमुलेटिव रिटर्न को, तो भी इंडियन मार्केट्स ने इस रिटर्न को सुपरसीड किया है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट दर्ज हुई है वो डीएसपी एसेट मैनेजर्स की तरफ से आई है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक है अर्ली सिग्नल्स थ्रू चार्ट्स। और इससे क्लियरली आपको एक चीज़ पता चलती है कि भारत में इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो कंपाउंड हुई है 6.6% CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, और ये रेट US के 6.4% CAGR से ज़्यादा है। अगर आप चाइना के रेट ऑफ रिटर्न से पता करेंगे तो भी चाइना ने केवल 3.3% तक का रिटर्न दिया है इक्विटी मार्केट्स ने पिछले 123 साल में। और अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स के रिटर्न से कंपेयर करें तो इमर्जिंग मार्केट्स में भी इन्वेस्टर्स को 3.8% CAGR का रिटर्न मिला है साल 1900 से। और अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स के रिटर्न से कंपेयर करें तो वो 5% था। हर एक सिनेरियो में आपको ये सामने देखने को मिलेगा कि इंडियन मार्केट्स ने जो रिटर्न इन्वेस्टर्स को पिछले 123 साल में दिए हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा दिए हैं। अब जब हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं या CAGR की बात करते हैं, ये आपको दर्शाता है कि रियल कंपाउंडिंग क्या होती है, यानी कि जो कि एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन होती है, करेंसी डेप्रिसिएशन जो इतने साल में देखा जाता है उसको भी साथ में ये कॉग्निसेंस में लेती है। अब इस रिपोर्ट में खास तौर पर स्ट्रेस किया गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में, जिसके कि आपका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। इनफैक्ट उनका मानना है, डीएसपी एसेट मैनेजर्स ने जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, कि 6.6% तक के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से एक एक्सेलेंट रेट ऑफ रिटर्न माना जा सकता है जिस तरीके से इन्वेस्टर्स की वेल्थ कंपाउंड हुई है पिछले एक सेंचुरी में। खास तौर पर इसके लिए एक ही कैवियट है कि इन्वेस्टर्स को इतने लंबे समय तक पेशेंस होना चाहिए, अपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट ना करें। साथ ही उन्होंने भारतीय एस इन्वेस्टर बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के बारे में भी अपने रिपोर्ट में जिक्र किया, और कहा कि अगर आप बिग बुल के निवेश के पैटर्न को फॉलो करें, उनके निवेश में भी आपको खास तौर पर ऐसा दिखेगा कि जो सबसे ज़्यादा वेल्थ उनके पोर्टफोलियो में जनरेट हुई है वो स्ट्रेटेजिकली ऐसी कंपनियों में हुई है, सिलेक्ट हाई क्वालिटी बिजनेसेस को जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और लंबे समय तक उसके होल्डर भी रहे हैं। खासतौर पर टाइटन का उन्होंने जिक्र किया है, जो कि राकेश झुनझुनवाला का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक्स है और काफ़ी लंबे अरसे से उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल है। इसीलिए डीएसपी का मानना है कि जब भी लॉन्ग टर्म निवेशक अगर निवेश की बात में करें या फिर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कमाना चाहें इक्विटी निवेश से, तो एक लंबे समय की अवधि या इसका होराइजन रखना क्यों जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।